हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्लान रहेगा वो है हमारा 22 फीट बाय 73 फीट का प्लान, यानी कि 22 फीट इसका फ्रंट रहेगा और 73 फीट इस प्लान की लंबाई रहेगी। इस प्लॉट के अगर हम फेस डायरेक्शन की बात करें तो वो हमारा वेस्ट में रहेगा, ठीक। और अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें इस प्लॉट की, तो ये हमारा 1606 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। गज में बात करेंगे तो ये हमारा 178 गज का प्लॉट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है, तो वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने कॉलम्स इसमें दिए जाएंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, आउटर वॉल इनर वॉल कितनी दी जाएगी, ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस पूरे प्लान के अंदर हमने 2 बेडरूम दिए हैं, कार पार्किंग दी है, गार्डन एरिया है, लिविंग एरिया है, मतलब ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया, किचन है, और हमने इसमें बैक साइड OTS भी प्रोवाइड किया है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं पार्किंग एरिया से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पार्किंग एरिया प्रोवाइड किया है, यहाँ पर हमारी कार इजीली आ जाएंगी, कार और स्कूटर बाइक जो भी होगी वो हमारे इजीली यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर हमने गार्डन एरिया दिया है, तो यहाँ पर आप अपने पेड़ पौधे भी लगा सकते हो। जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया है 3 फीट 6 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का, जिसका आपके जो गेस्ट होंगे वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर रखा है, 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर जैसे आप एंट्री करते हो आप सीधे आ जाते हो अपने लिविंग एरिया में, तो ये आप यहाँ पर आपको एक लिविंग एरिया मिलता है 10 फीट 4 इंच बाय 15 फीट 10 इंच का, आपको यहाँ पर लिविंग एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सोफ़ा सेट आ जाएगा, यहाँ पर आपका TV आ जाएगा, तो जो भी गेस्ट होंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसकी एक विंडो हमने यहाँ पर रखी है, 4 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है और एक विंडो हमने यहाँ पर रखी है। लिविंग एरिया के बराबर में मिलता है आपको एक बेडरूम, बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम। ये जो बेडरूम हमारा 10 फीट 4 इंच बाय 12 फीट का रहेगा, ठीक। यहाँ पर हमारा बेड आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वार्डरोब होगा, सामने हमारा TV आ जाएगा। इस बेडरूम में आने के लिए भी हमने पार्किंग से डोर प्रोवाइड की है, ठीक। और ये हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 6 इंच का, यहाँ पर हमने वेंटिलेशन दे रखा है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे आप आ जाओगे अपने पैसेज एरिया में, यानी कि लॉबी एरिया, यानी कि यह जो आपका पोर्शन रहेगा ये डाइनिंग एरिया प्लस लिविंग एरिया का पोर्शन रहेगा। यहाँ पर हमने डाइनिंग एरिया प्लस लिविंग एरिया प्रोवाइड किया है, तो इस साइड आपका सोफ़ा सेट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपने डाइनिंग टेबल रख सकते हो। यहाँ पर हमने 3 फीट चौड़ी स्टेयर्स प्रोवाइड किए, तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। स्टेयर्स के नीचे के पोर्शन में आप चाहो तो अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो, बाउंड्री उठा के मतलब एक स्टोर टाइप का यहाँ पर बना सकते हो स्टेयर्स के नीचे के पोर्शन को। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक पूजा रूम, 5 फीट 10 इंच बाय 6 फीट 1 इंच का आपको यहाँ पर पूजा एरिया मिलता है। जैसे आप आगे बढ़ोगे आप आ जाते हो अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, ये आपका सेकंड बेडरूम है, सेकंड बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम। ये जो हमारा सेकंड बेडरूम है 10 फीट 4 इंच बाय 12 फीट का आपको यहाँ पर सेकंड बेडरूम मिलता है, ठीक। और इसके साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 6 इंच का आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। तो 2 फीट चौड़ा इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर दे रखा है, तो इसकी जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। यह हमारा किचन है, 10 फीट 4 इंच बाय 10 फीट का आपको यहाँ पर किचन मिलता है। इस किचन में से भी हमने डोर प्रोवाइड किया अपने OTS के एरिया, ये हमारा ओपन एरिया रहेगा, ठीक। इसमें 3 फीट बाय 4 फीट के एरिया पे जाल पड़ जाएगा, बाकी के पोर्शन पे स्लैब आएगा। आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो, यहाँ पर रस्सी बांध कर कपड़े भी टांग सकते हो, तो ये पोर्शन हमने इसलिए प्रोवाइड किया है, ठीक। इस किचन की विंडो हमने यहाँ पर रखी है, 3 फीट चौड़ी विंडो रखी है, किचन की जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स अलग से टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पर दे रखा है, 4 फीट बाय 5 फीट 2 इंच का आपको यहाँ पर टॉयलेट मिलता है, जो आपके फैमिली मेम्बर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लान, 22 फीट बाय 73 फीट का प्लान। अब बात कर लेते हैं इसकी आउटर वॉल की, तो आउटर वॉल हमने 9 इंच की रखी है, इनर वॉल हमने इसमें 4 इंच की प्रोवाइड की है। इसके अंदर जो टोटल कॉलम्स हमने दिए हैं 14 कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं, कॉलम साइज़ जो हमने रखा है वो 9 इंच बाय 12 इंच का प्रोवाइड किया है। इसका एक मंजिल बनाने में जो लगभग खर्चा आएगा वो 18 लाख से 20 लाख के बीच में आएगा। तो ये था हमारा आज का प्लान, आशा करते हैं प्लान पसंद आया होगा। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए।